फरीदाबाद महानगर 28 से कांग्रेसी विधायक प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कराया अपना नामांकन और चुनाव जीतने के बाद कहा कि मेरी मुख्य प्राथमिकता मुरादाबाद का विकास। अजय सक्सेना की रिपोर्ट। जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन कराया है और मुरादाबाद 28 नगर विधानसभा की समस्त जनता से मैं आपके द्वारा ये अपील करना चाहूँगा, विधायक नहीं भविष्य चुनिए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता विकास, जो पिछले 7 सालों से पैदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले विकास, मुरादाबाद के विकास के लिए जो भी जिस हद तक भी जाया जा सकता है उस हद तक जाए। जैसे कि आज देखा जा रहा है कि विधायक जी के हाल क्रम मोदी कांग्रेस पार्टी में आए तो इसको बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं। अपना कॉम्पिटिटर किनको मानते हैं? मेरा कंपटीटर वो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो पिछले 7 सालों से हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसके अलावा किसी से। क्या कहेंगे अपने विधानसभा? मैंने अभी आपसे पहले सबसे पहले यही कहा कि मुरादाबाद की जनता से मैं कहना चाहूँगा, विधायक नहीं भविष्य चुनिए। सर कितने सीट? यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सवाल का जवाब प्रियंका गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी से दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर। जो सर आपकी सीट निकलेगी तो आप किस मुद्दे पर विकास करना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं मुरादाबाद में। सबसे पहले रामगंगा नदी पर बांध प्रस्तावित है, पिछले 10-12 सालों से जो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। रिंग रोड भी बनाया जा सकता है, उस पर पिकनिक पॉइंट भी बनाया जा सकता है। करूला एक बहुत बड़ी आबादी है मुरादाबाद की, जो पिछड़ी नहीं अति पिछड़ी कह सकता हूँ, जहाँ पर पीने के पानी भी मुहैया नहीं है साफ, उसमें टंकी बनाने का हमारा पानी की टंकी बनाने का पूरा हमारा मैनिफेस्टो है। इसके अलावा उस करूला क्षेत्र को जोड़ने वाली एक सड़क है जो संभल चौराहे का पुल कहलाता है, वो जर्जर हालत में और 30 साल पहले के हिसाब से बना हुआ है, वो उसको नया और विस्तार करके बनाया गया। थैंक यू।